नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 के लिए परीक्षा कार्यक्रम है जो बना दिया गया है और समय सारणी आपको बहुत अच्छी तरीके से मिली है, तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। जैसे कि पहला पेपर है वो आपके गुरुवार को 6 मई 2021 को अंग्रेजी का होगा, समय रहेगा 8:30 से 11:45 तक का। फिर शुक्रवार को अंतराल रखा गया, शनिवार 8 को भी अंतराल है और रविवार को भी अवकाश है, जैसे 9 को रविवार है तो छुट्टी है। फिर सोमवार को भी अंतराल है। फिर मंगलवार 11 मई 2021 में हिंदी का पेपर होगा आपका। फिर बुधवार 12 मई 2021 में अंतराल, फिर अंतराल। फिर 14 को परशुराम जयंती, उसका अवकाश है। फिर शनिवार को 12 मई 2021 को गणित का पेपर। फिर रविवार 16 मई 2021 को अवकाश। फिर 17 को भी अवकाश है, 18 को भी अवकाश है। बुधवार 19 मई 2021 विज्ञान का पेपर है। तो साइंस के पेपर में आपको कंटिन्यू 3 अवकाश मिल रहे हैं, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। फिर आपको SST यानी बोले तो शनिवार 22 मई 2021 को SST का पेपर सामाजिक का, उसमें भी आपको 2 अवकाश मिल रहे हैं। फिर रविवार को भी, फिर 23 मई को रविवार है, अवकाश रहेगा। फिर सोमवार को अवकाश है। फिर मंगलवार को जैसे अपनी भाषा लैंग्वेज संस्कृत उर्दू गुजराती पंजाबी इन सब का मंगलवार को पेपर होगा। फिर 26 को जिनके है वो पेपर उनका हो जाएगा, IIT या जो भी है IIT का, वो सबके इनके अंतराल है। फिर गुरुवार को ये दे रखा है 27 को। ये अपने बोर्ड एग्ज़ाम का कार्यक्रम है, अगर किसी भी विद्यार्थी को लेना हो तो वो स्क्रीनशॉट के ज़रिए समय सारणी ले सकता है। स्क्रीनशॉट की सहायता से वो अपना समय देख सकता है और अपनी तैयारी को बहुत मजबूत और सशक्त कर सकता है। तो इस प्रकार से आपका समय शेड्यूल रहेगा। और ये नोट जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आप हर बार होती आई है वैसे ही है, तो इनको आप एक बार ज़रूर देख लें। तो अगर कोई डाउट हो तो आप समय सारणी के बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के पूछ सकते हो। फिर अपन बात करें वैसे ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर 12th का, इसका भी समय वही है 8:30 से 11:45 तक का। पहला पेपर गुरुवार को 6 मई 2021 को होगा, पर्यावरण विज्ञान और दर्शन शास्त्र। फिर 7 को अंग्रेजी, 8 को हिंदी। ये 2 पेपर है लमसम कंटिन्यू है, कई के पर्यावरण है उनके भी कंटिन्यू है। फिर रविवार को अवकाश है, सोमवार को इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, कृषि, रसायन विज्ञान इनका होगा। मंगलवार को मनोविज्ञान और बुधवार 12 मई सूचना प्रौद्योगिकी यानी कंप्यूटर। फिर गुरुवार 13 मई 2021 को भूगोल, लेखा शास्त्र, भौतिक विज्ञान। फिर शुक्रवार को है जो काफ़ी दे रखे हैं वो IIT वाले, वो सब है इसमें। फिर यानी शुक्रवार 14 मई को तो वो परशुराम जयंती का अवकाश है। फिर शनिवार 15 मई 2021 को ये दे रखे हैं उनका है, यही इनका शेड्यूल रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, 11 बजे तक का टाइम है। फिर रविवार 16 मई 2021 को अवकाश रहेगा। फिर सोमवार 17 मई 2021 को गणित का पेपर होगा। फिर मंगलवार 18 मई 2021 को अर्थशास्त्र है, जो भी लैंग्वेज कृषि अंग्रेजी जो भी है इनका होगा। फिर बुधवार 19 मई 2021 को शारीरिक शिक्षा। फिर गुरुवार को राजनीतिक और कृषि विज्ञान इनके गुरुवार को 20 मई को होंगे। फिर शुक्रवार 21 मई को हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य जो भी है साहित्य सब्जेक्ट है उनका होगा। फिर शनिवार 22 मई 2021 को। फिर रविवार 23 मई 2021 को अवकाश। फिर सोमवार 24 मई 2021 को चित्रकला का होगा। फिर मंगलवार 25 मई 2021 को समाजशास्त्र। फिर बुधवार 26 मई 2021 को संस्कृत साहित्य इन सब का। फिर गुरुवार को 27 मई फिर शुक्रवार 28 मई को गृह विज्ञान, शनिवार 29 मई 2021 को लोक प्रशासन। फिर वही सेम शेड्यूल है, फिर उनके वही रूल हैं।
तो आपे ट्वेल्थ के आपको बता दिया कि कितने समय तक क्या होगा, शेड्यूल भी पूरा बता दिया। तो आप अब भी तैयारी की ओर जुट जाए और अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी कीजिए, और जो भी डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हो। अपनी संस्था में क्लासेस चल रही है, जितने भी विद्यार्थी हैं टेंथ और ट्वेल्थ उन सब तक ये टाइम टेबल ज़रूर पहुँचाए, और अपने इस यूट्यूब चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।